कि जनाब चाइनीज जो हैं वो अपने हर काम के लिए बहुत ज़्यादा जो कह लें दुनिया भर में पहचाने भी जाते हैं, इस तरह से कभी शीशे का पुल बना दिया पहाड़ों के दरमियान में, कभी कोई ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा दी। अब जनाब इन्होंने बनाया है, बादलों को जी कर सड़क बना ली है, बुलंद तरीन पुल पर जो है गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चीन के माहरीन ने जनूबी सूबे में बुलंद तरीन एक्सप्रेस वे तैयार कर ली है, जिस पर गाड़ियाँ जो हैं बादलों से भी ऊपर चलती हैं। अच्छा जनाब, 240 किलोमीटर तवील एक्सप्रेस वे बुलंदोबाला पहाड़ी रास्ते पर बनाया गया है, जिस पर कसीर लागत तो आई है, लेकिन ये जो सड़क है हर एक किलोमीटर के बाद 24 फुट बुलंद हो जाती है, और उसके बाद जो है ये फिर उस ढलवान पे आती है, और ये हर एक किलोमीटर के बाद इस तरह का इसमें कह लें एक टर्न या ट्विस्ट आता है। और इस शाहरा को जनाब को याशी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, और ये एक्सप्रेस जो है तकरीबन $3 अरब की लागत से बनाई गई है। इसकी तामीर में 5 साल का वक्त लगा था, और इंजीनियर्स को डेफिनेटली बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ा होगा। चीनी माहरीन ने एक्सप्रेस वे को जलजला प्रूफ बनाया। अगर ये पहाड़ों के दरमियान में है तो खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा जलजला आए तो ये जलजला प्रूफ हाईवे बनाई गई है। अच्छा, चीनी हुकूमत ने इसको पहले 2012 में खोला था, मगर इसको जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करने के लिए इसको बंद कर दिया गया था। और पिछले साल चीन और हांगकॉन्ग के दरमियान जो समंदरी रास्ते पर दुनिया का ये तवील तरीन पुल जो है मुकम्मल तौर पर तामीर कर लिया गया, और इसे आमदोरफ्त के लिए भी खोल दिया गया है। और इसकी जैसे मैंने बताया कि इतनी ऊंचाई है कि ऐसे लगता है कि गाड़ियाँ बादलों के ऊपर जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 9 बरस कबल काम शुरू किया गया था, और 2016 में ये कुछ कंट्रोवर्शियल हो गई थी हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरह, लेकिन कई तनाजात के बाद जो है बिलाखिर इसका बजट भी कंप्लीट हो गया है, और इसमें इजाफा भी इसकी तामीर का दुरानी और बजट भी बढ़ गया। ये जो हम भुगत रहे हैं चीनी भी भुगतते हैं। हाँ, मैं भी पाकिस्तानियों को कही जाते हैं ये देखें जी इनकी आम काम नहीं हो रहा, वहाँ पर भी यही होता है, बस शोर कम मचा हुआ है। हमारे यहाँ शोर बहुत मचा हुआ है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, मैंने ही सबसे ज़्यादा मचाया हुआ है। अच्छा, पुल पर कमर्शियल गाड़ियाँ और मुसाफिर जो बरदार बसें हैं उनको चलाने की इजाज़त होगी, अलबत्त जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको खसूसी परमिट भी हासिल करना होगा। हांगकॉन्ग या चीन से पुल का इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए रास्ते में 2 इमिग्रेशन जो मराकज़ हैं वो भी कायम किए गए हैं, जहाँ जो मुसाफिर हैं अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली चेक भी कराएँगे, वेरीफाई भी करवाएँगे। इस मुसाफिर को तय करने में तकरीबन 4.5 घंटे का वक्त लगता था, मगर पुल की तामीर के बाद ये रास्ता सिर्फ 30 मिनट में आप तय कर सकते हैं, और ये हाईवे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत है, और पहाड़ों के दरमियान बनाई गई है। 5 साल में ये कंप्लीट हुई है, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा 5 साल। अच्छा खैर जी, ये थी रिसर्च चीन के हवाले से।